हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स है उसमें हमें पैसे में जो वैल्यू दे रखी होगी, हमें उस पैसे वाली वैल्यू को कन्वर्ट करके दिखाना है रुपीज में, वो भी डेसिमल्स का इस्तेमाल करके। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स 7 पैसे, यानी कि हमें 7 पैसे को कन्वर्ट करके दिखाना है रुपीज में, वो भी डेसिमल्स का यूज करके। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 100 पैसा इज इक्वल टू होता है 1 रुपी, यानी कि 100 पैसे में 1 रुपी होता है। तो अगर 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी है तो 1 पैसे में कितने रुपये होंगे? 1 पैसा इज इक्वल टू ये वाला 100 यहां अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, यानी 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। अब अगर 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं तो 7 पैसे में कितने रुपीज होंगे? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो जितने पैसे को भी आपने रुपीज में कन्वर्ट करना है आप 1/100 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर हमें 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 7 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज इंटू 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां न्यूमरेटर में 7 है, यहां न्यूमरेटर में 1 है, 7 × 1 = 7 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 7 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 100 है, 7 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 100 × 100 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि 7 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 7/100। अब हमें 7 को 100 से डिवाइड करके दिखाना है। अब जब हम 7 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि नीचे अपॉन में 2 जीरो है, आप ये 2 जीरो हटा देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में तो सिर्फ 7 है, जब डेसिमल कहीं नहीं दिखता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है, यानी डेसिमल यहाँ पर है। अब अगर नीचे से यानी अपॉन से अगर हम 2 जीरो हटा रहे हैं और यहाँ पर डेसिमल है तो ये डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास है 7 और जो डेसिमल है वो यहां पर है और इसको शिफ्ट करना है 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ। तो पहले तो ये 7 को क्रॉस करेगा, 7 के बाद 1 डिजिट और क्रॉस करेगा, तो वो डिजिट अगर कुछ नहीं है तो यहां पर हम लगाएंगे 0। अब देखिए डेसिमल यहां पर था, 1 डिजिट को शिफ्ट किया, फिर दूसरे डिजिट से भी आगे गया और वो आपका डेसिमल अब यहां पर आ जाएगा, और इस डेसिमल के लेफ्ट में भी आप एक 0 लगा दीजिए। इस 0 से हमारी जो वैल्यूज होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस ये देखना है कि जो डेसिमल यहां पर था वो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो 1 डिजिट को क्रॉस किया, 2 डिजिट को क्रॉस किया और वो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया और हमें क्या मिल गया है, 7 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 0.07, यानी कि 7 पैसा इक्वल होता है रुपीज 0.07 के। इस तरह से हमने 7 पैसे को रुपीज में एक्सप्रेस करके या रुपीज में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 7 रुपीज 7 पैसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इसमें रुपीज भी है, 7 रुपीज, और उसके साथ साथ 7 पैसे भी है, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो पूरी तरह से रुपीज में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे और इस 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करके जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम ऐड कर देंगे 7 रुपीज के साथ, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी रुपीज में है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो रुपीज में होगा। तो मेन काम यहां पर अभी ये है कि हमें इस 7 पैसे को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है रुपीज में। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 100 पैसा इज इक्वल टू होता है 1 रुपीज, यानी कि 100 पैसे में 100 पैसे में 1 रुपी होता है। तो अगर 100 पैसे में 1 रुपी होता है तो 1 पैसे में कितने रुपी होंगे? 1 पैसा इज इक्वल टू ये वाला 100, यहां पर 1 के नीचे अपॉन में आ जाएगा, तो 1 पैसा इज इक्वल टू होगा रुपीज 1/100। अब अगर 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं तो 7 पैसे में कितने रुपीज होंगे? तो यहां पर आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हमें पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में तो
तो जितने पैसे को भी आपने रुपीज में कन्वर्ट करना है, आप 1/100 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमें 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा 7 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1/100 इंटू 7। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 है, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है। 7 × 1 7 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 7 आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 7 के नीचे, इसका मतलब यहाँ 1 है। तो 100 × 1 100 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 100 आ गया। तो 7 पैसे इज इक्वल टू क्या आ गया है, 7 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 7/100। अब हमें 7 को डिवाइड करना है 100 से, तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अपॉन में 2 0 हैं, आप अपॉन में से ये 2 0 हटाएंगे और फिर चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में जो डेसिमल है वो कहाँ पर है। यहां पर तो 7 है, कहीं डेसिमल नजर नहीं आ रहा है, तो जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो यहाँ लास्ट में डेसिमल होता है। तो जब आप डिनोमिनेटर में से 2 0 हटाएंगे तो यहां पर जो ये डेसिमल है स्टूडेंट्स, ये 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर 7 है और जो डेसिमल है वो यहां पर है लास्ट में, और इसको हमें शिफ्ट करना है 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ। तो पहले तो ये 7 को क्रॉस करेगा, उसके बाद 1 डिजिट और यहां पर हमें चाहिए, तो यहां पर कोई और डिजिट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 0। अब ये डेसिमल जो यहां था वो इन दोनों डिजिट्स को क्रॉस करके यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और इससे लेफ्ट में हम ये 0 लगा देंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि 7 पैसे इज इक्वल टू क्या हो गया है, ₹0.07, यानी 7 पैसा इज इक्वल टू होता है ₹0.07। इस तरह से हमने 7 पैसे को रुपीज में चेंज कर दिया है। अब हमारा मेन क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि हमें 7 रुपीज 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाना है। इसमें से एक पार्ट तो ऑलरेडी रुपीज में है, लेकिन ये वाला पार्ट जो पैसे में था 7 पैसे, इसको पहले हमने चेंज किया रुपीज में। 7 पैसे किसके इक्वल आया था, ₹0.07। तो अब हम 7 रुपीज 7 पैसे को पूरी तरह से रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 7 रुपीज 7 पैसे इज इक्वल टू ये जो 7 रुपीज है, इस 7 को यहां पर हमने एज इट इज रखा, प्लस उसमें ऐड कर देंगे ये जो 7 पैसे को हमने रुपीज में चेंज किया था। 7 पैसे को रुपीज में चेंज किया तो हमें क्या मिला था, 0.07। अब हमें इस 7 को ऐड करना है, यानी प्लस करना है 0.07 के साथ। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम 7 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7.00। ऐसा हमने इसलिए किया कि जब हम डेसिमल वाले नंबर को किसी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। अब यहां तो सिर्फ 7 था, उसके आगे कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा था, तो डेसिमल कहीं नहीं होता तो डेसिमल हम यहां पर एंड में लगा सकते हैं। तो हमने 7 के राइट साइड में यहां पर डेसिमल लगाया, और डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरो लगा दीजिए, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 7.00 बोल रहे हैं या 7 बोल रहे, बात एक ही होती है। तो 7 को हमने कैसे लिखा, 7.00, और यहां पर जो ये डेसिमल है, ये डेसिमल इस डेसिमल के नीचे लिखा हमने, इस डेसिमल के लेफ्ट में क्या है, 0, तो यहां भी इस डेसिमल के लेफ्ट में 0 आया, डेसिमल के राइट में 0.7 है, तो यहां भी डेसिमल के राइट में 0.7 आया। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, 7 और 0 को ऐड करेंगे तो 7 और 0 प्लस होकर 7 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 होता है, तो यहाँ 0 आ गया, डेसिमल यहाँ पर एज इट इज, फिर 7 प्लस 0 7 होता है, तो यहाँ पर 7 आ गया। तो फाइनली अब हम कह सकते हैं कि 7 रुपीज 7 पैसे को जब हमने रुपीज में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला ₹7.07। यहाँ पर आप ये बात भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये एडिशन आप तभी करेंगे जब ये दोनों ही वैल्यूज रुपीज में होंगी। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 77 रुपीज 77 पैसे, और हमें इसको चेंज करना है रुपीज में। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स कि 77 रुपीज तो ऑलरेडी रुपीज में है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है 77 पैसे, पहले हम इसको चेंज करेंगे रुपीज में, और इसको रुपीज में चेंज करके जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम ऐड करेंगे 77 रुपीज के साथ, फिर ये पूरी तरह से रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 100 पैसा इज इक्वल टू होता है ₹1 के, यानी कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे, 1 पैसा इज इक्वल टू ये वाला 100, यहाँ 1 के अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1/100, 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं।
अगर एक पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं स्टूडेंट्स, तो 77 पैसे में कितने रुपीज होंगे? तो यहां पर याद रखिएगा कि जब भी आपको पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो आप 1/100 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसे आपने पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि हमें 77 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो हमने लिखा 77 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1/100 इंटू 77। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में 77 है, यहां न्यूमरेटर में 1 है, तो 77 × 1 = 77 होता है। तो यहां पर न्यूमरेटर में 77 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 100 है, और यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। 100 × 1 = 100 होता है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में 100 आ गया। तो 77 पैसे इज इक्वल टू आ गया है रुपीज 77/100। अब हम 77 को डिवाइड करेंगे 100 से। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, हम डिनोमिनेटर से ये दोनों जीरो हटा देंगे और फिर चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में जो डेसिमल है वो कहाँ पर है। न्यूमरेटर में नंबर दिख रहा है 77, कहीं डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल यहाँ एंड में होता है। और अगर डिनोमिनेटर से आप 2 जीरो हटाते हैं, तो ये डेसिमल यहां से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले तो इस 7 से आगे जाएगा और फिर 7 से भी आगे, यानी इस साइड आएगा। तो ये डेसिमल देखिए, यहां पर ये जो 77 था, इनके लेफ्ट में 1 डिजिट को क्रॉस किया, 2 डिजिट को क्रॉस किया और यहां पर आ गया। और ये डेसिमल से पहले हमने ये 0 लगा दिया है, इस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, सिर्फ ये लिखने का एक तरीका है। तो 77 पैसा इज इक्वल टू क्या आ गया है, रुपीज 0.77। तो सबसे पहले हमने 77 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया है। अब हमारा मेन क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि हमें 77 पैसे को रुपीज में शो करना है। तो ये 77 रुपीज तो यहां पर एज इट इज है, उसमें हम ऐड कर देंगे ये जो 77 पैसे को हमने रुपीज में यहां चेंज किया था, तो इस 77 पैसे की जगह यहां लिखेंगे 0.77 रुपीज। अब देखिए ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस 77 को यहां पर इस तरीके से लिख लिया है, 77.00, 77.00 और 77 एक ही बात है। अब देखिए ये जो हमें एडिशन करना है, यहाँ ये दूसरा नंबर है 0.77, तो ये डेसिमल इस डेसिमल के बिल्कुल नीचे आएगा। तो ये डेसिमल यहाँ पर आया, डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, तो डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ 0 लगाया, डेसिमल के राइट में यहाँ पर 77 है, तो यहाँ भी हमने डेसिमल के राइट में 77 लिखा। अब हम इनको ऐड करेंगे, 7 + 0 = 7 होता है, तो यहां पर 7 आ गया, 7 + 0 = 7 होता है, तो यहां पर भी 7 आ गया, डेसिमल यहां पर एज इट इज, 7 + 0 = 7 होता है, तो यहां पर 7 आ गया, यहां पर 7 और यहां कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यहां पर भी 0 ही होता है। तो 7 + 0 = 7 होता है, तो यहां पर भी 7 आ गया। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स, रुपीज 77.77, यानी के 77 रुपीज 77 पैसे को जब हमने रुपीज में कन्वर्ट किया, तो हमें आंसर मिला रुपीज 77.77। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 50 पैसे, हमें 50 पैसे को शो करना है रुपीज में। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, 100 पैसा इज इक्वल टू होता है रुपीज 1, यानी कि 100 पैसे में 1 रुपी होता है। तो अगर 100 पैसे में 1 रुपी होता है, तो 1 पैसे में कितने रुपी होंगे, 1 पैसा इज इक्वल टू ये 100 यहाँ 1 के अपॉन में आ जाएगा, तो 1 पैसा इज इक्वल टू रुपीज 1/100। तो अगर 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं, तो 50 पैसे में कितने रुपीज होंगे। यहां पर आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी आप पैसे को कन्वर्ट करें रुपीज में, तो जितने पैसे को आपने रुपीज में कन्वर्ट करना है, 1/100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर से। जैसे यहाँ 50 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो हमने लिखा 50 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1/100 इंटू 50। अब देखिए यहां न्यूमरेटर में 1 है, यहां न्यूमरेटर में 50 है, 50 × 1 = 50 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 50 आ गया। यहां अपॉन में 100 है, यहां अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है, 100 × 1 = 100 होता है, तो यहां अपॉन में 100 आ गया। अब हमें इस 50 को डिवाइड करना है 100 से। यहां पर नीचे कितनी जीरो है स्टूडेंट्स, 2 जीरो हैं, हम ये 2 जीरो नीचे से हटा देंगे और चेक करेंगे न्यूमरेटर में जो डेसिमल है वो कहां पर है। न्यूमरेटर में 50 है, तो डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब डेसिमल यहाँ एंड में होगा। तो अगर डिनोमिनेटर से हम 2 जीरो हटा रहे हैं, तो ये जो डेसिमल यहां पर है, ये 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा।
तो जब हमने ये दो जीरो डिनोमिनेटर से हटाई तो ये डेसिमल यहां से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पहले इसने जीरो को क्रॉस किया और फिर फाइव को क्रॉस किया और ये डेसिमल यहां आ जाएगा। देखिए जीरो और फाइव यहां पर एज इट इज है और जो डेसिमल यहां पर एंड में था वो यहां से क्रॉस करके यहां पर आ गया और इस डेसिमल के लेफ्ट में हमने ये जीरो लिखा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया है 50 पैसे को जब हमने रुपीज में कन्वर्ट किया तो 50 पैसा इज इक्वल टू क्या आ गया, ₹0.50। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 235 पैसे, यानी हमें 235 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाना है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स के 100 पैसा इज इक्वल टू ₹1 होता है, यानी कि 100 पैसे में 1 रुपी होता है। तो अगर 100 पैसे में 1 रुपी होता है तो 1 पैसे में कितने रुपी होंगे, 1 पैसा इज इक्वल टू ये वाला 100, यहाँ 1 के अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, यानी 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। अगर 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं तो 235 पैसे में कितने रुपीज होंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपको पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में तो जितने पैसे को आपने कन्वर्ट करना है रुपीज में 1/100 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर हमें 235 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हमने लिखा 235 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज इंटू 235। अब यहां पर न्यूमरेटर में 1 है, यहां न्यूमरेटर में 235 है, तो 235 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 235। तो यहां न्यूमरेटर में आ गया 235, यहां डिनोमिनेटर में 100 है, यहां डिनोमिनेटर में 1 है। देखिए यहां कुछ नहीं नजर आ रहा नीचे, इसका मतलब 1 है, तो 100 इंटू 1 करेंगे तो यहां पर डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो 235 पैसा इज इक्वल टू क्या आ गया है, ₹235/100। अब हमें डिवाइड करना है 235 को 100 से। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स के डिनोमिनेटर में दो जीरो हैं तो हम ये दो जीरो हटा देंगे और चेक करेंगे कि यहां न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में नंबर है 235, तो यहां कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डेसिमल कहां होता है, यहां लास्ट में होता है। तो अगर डिनोमिनेटर से दो जीरो हटी हैं तो ये जो डेसिमल यहां पर है ये दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो जब हमने 235 को 100 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 2.35। तो 235 पैसे को जो हमें रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाना था उसके लिए हमारा फाइनल आंसर आ गया है ₹2.35। तो इस तरह से हमने 235 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।